अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनल मोमेंट। उसका हम आज अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, यह हम क्लास 8th सब्जेक्ट हिस्ट्री से ले रहे हैं। ठीक है ना, तो टॉपिक है हमारा आज द एडवेंट ऑफ M.K. गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी जब इंडिया में आए तो वहाँ से अब हम वहाँ से हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म में हमने क्या पढ़ा, हमने एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वो वाला फेज देखा इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ठीक है ना, तो जो हमारा चैप्टर है मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट का अर्लियर फेज हमने देख लिया। ठीक है ना, देखा भी। अब यहाँ से नेशनल मूवमेंट का कोर्स चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, नेशनल मूवमेंट का कोर्स चेंज हो जाता है, रास्ता बदल जाता है, तरीका बदल जाता है। कैसे, क्या सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने जाएंगे। अभी हम रिलेट करो पिछले वीडियो को, अभी आप रिलेट करो वो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म कैसे धीरे धीरे कंट्री में आया, क्या होता जा रहा था, नेशनलिज्म को जो फीलिंग थी वो कॉमन मासेस के थ्रू बढ़ते चली जा रही थी। अब देखो, अब आप कॉमन मास को इंक्लूड करना चाहते हो इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो क्या होता है, तो उनको एक मास लीडर भी चाहिए रहेगा। ठीक है ना, उनको एक मास लीडर भी चाहिए रहेगा। मास लीडर समझते हैं क्या होता है, मतलब एक ऐसा फिगर जो अपील को, जो पब्लिक को अपील कर सके। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जब इंडिया में आए, महात्मा गांधी जैसे कंट्री को, जैसे उसने कंट्री को समझा, जिस तरह से उन्होंने अपनी ट्यूनिंग सेट कर रखी करी किसके साथ में, कंट्री के लोगों के साथ में, तो महात्मा गांधी वॉज इमर्जिंग एज ए मास लीडर। ठीक, तो महात्मा गांधी इंडिया में आए तो कहीं तो गए होंगे, है ना, जब वो इंडिया में आए तो कहीं तो गए होंगे, कहाँ गए, सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो लेक्चर में बताने वाली हूँ इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो महात्मा गांधी इमर्ज एज ए मास लीडर, वो क्यों मास लीडर बने, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इंडिया आइडियाज दिए तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगे। कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह बताया कि नेशनलिज्म कैसे मिलेगा, तो उनके व्यू पॉइंट को देख के लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो महात्मा गांधी इमर्जेड एज ए मास लीडर, ही अराइव्ड इन इंडिया इन 1950, जनवरी 1915। ठीक, जनवरी 1915 में वो इंडिया आए, यहाँ साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, वहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे थे, किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, ही वॉज अ लॉयर, वो लॉयर की प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है ना, अब क्या होता है, जब वो साउथ अफ्रीका से आए तो वो साउथ अफ्रीका से आने पे उन्होंने कंट्री में सिचुएशन बहुत बुरी देखी। ठीक है ना, उसने देखा कि कंट्री में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है, मतलब ब्रिटिश रूल चल रहा था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, लोगों में फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर रखी थी किसने, ब्रिटिश रूल में। ठीक है ना, एक तरह से उन्हें बुरा लगा उस चीज़ को देख के, जब वो साउथ अफ्रीका से आए ना, तो साउथ अफ्रीका से वो एक एक्सपीरियंस लेके आए थे, किस चीज़ का एक्सपीरियंस, साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था, तो वहाँ साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, मतलब ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में। ठीक है ना, वहाँ पे ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में एपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, वहाँ पे इंडियंस को कलर्ड कहा जाता था, मतलब कि वहाँ कलर डिस्क्रिमिनेशन, स्किन कलर डिस्क्रिमिनेशन होता था, मींस कि इंडिया थोड़े से वाइट होते थे या आधे कोई ब्लैक होता था। ठीक है ना, अब जब डिस्क्रिमिनेशन होता था तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने क्या किया, अब जब डिस्क्रिमिनेशन होता था तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने इस डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया। ठीक है ना, उसने आवाज़ उठाई, वो जब अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने ग्रुप्स बनाए, ग्रुप्स बना के एपार्थाइड सिस्टम जो था
डिस्क्रिमिनेशन जो था वो जो स्लेवरी थी, एपाथाइस्टम जो था, डिस्क्रिमिनेशन जो था, जो स्लेवरी थी, उन सारी चीज़ों को के अगेंस्ट में उन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है ना। हिज साउथ अफ्रीकन कैंपेन हैड ब्रॉट हिम इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियंस, हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, गुजरातीज, तमिल्स एंड नॉर्थ इंडियंस एंड अपर क्लास मर्चेंट्स, लायर्स एंड वर्कर्स। अब देखो कितने वाइड रेंज में वो लोग उसे कॉन्टैक्ट में थे, सारे हिंदू, मुस्लिम, पारसीज, क्रिश्चियंस, है ना। हालांकि वो गुजरात से थे, ही वॉज फ्रॉम गुजरात, तो गुजरातीज भी उसमें उसके कॉन्टैक्ट में थे, ये सारे लोग जो थे उसके कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है ना। गुजरातीज, तमिल्स एंड नॉर्थ इंडियंस एंड अपर क्लास मर्चेंट्स, लायर्स एंड वर्कर्स, ठीक है, सारे लोग जो थे उसके कॉन्टैक्ट में थे। अब कहीं ना कहीं देखोगे, देखो कि अलग अलग रीजन्स के ग्रुप्स बनाए गए थे, ठीक है ना, अलग अलग रीजन्स के ग्रुप्स बनाए गए थे।